डॉक्टर शोएब हसन मनान फराज से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने मेहमान को डाइस तक ले आए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हमारे मंत्री महोदय पधार चुके हैं भाई हरदिल अजीज लखन गंगोलिया जी। वो वादा करते हैं तो यकीनी तौर पर वो तशरीफ लाते हैं। जोरदार तालियां। हेलो हाजरीन, ये बड़ा हर्ष का विषय। मंत्री महोदय, बड़े भाई माननीय लखन घनघोरिया जी हमारी इस महफिल में जलवा अफरोज हो चुके हैं और मैं गुजारिश करूंगा प्रशांत भाई से, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी से, वो भी बड़ा मेहरबानी डाइस पर तशरीफ ले आइए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपकी उपस्थिति यकीनन होगी और मैं जानता हूं कि भैया को बहुत जल्द अभी बाहर निकलना है और बिना विलंब के मैं चाहता हूं यहां से चंद लम्हों के अंदर जो हमारी रस्म है, जो उनकी उपस्थिति ही संस्था को और ऐसे आयोजनों को एक गरिमा प्रदान करती है, एक संबल प्रदान करती है। मैं संस्था के आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोएब हसन से गुजारिश करूंगा सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी का इस्तकबाल करें। इसके पश्चात मैं गुजारिश करूंगा कि आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एडवोकेट प्रशांत मिश्रा जी का भी इस्तकबाल यहां से करें। मित्रों, बाकी हमें सारे कवियों को मेमेंटोज वगैरह उनके हाथों दिलवाना था। यकीनन उनकी उपस्थिति इस बात का हस्ताक्षर है कि वो हमारे इस कार्यक्रम में तन मन से हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि इस दीपोत्सव जो हमारा पहला आयोजन आज तक मुशायरे कराते रहे, जो आयोजन इस संबंध में भैया दो शब्द यहाँ से बोले जो कि हमें इससे बल प्राप्त होगा और आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा हमारे मन में तैयार होगी। माननीय मुख्य अतिथि जी माइक्रोफोन पर आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय इरफान यात्री साहब, सोहेब भाई, प्रशांत मिश्रा जी, बहन अंबर प्रदर्शी जी, सूरज राय जी, मंदान फराज जी, यहाँ सारे जो जीव बैठे हैं, सबको नमन करता हूं। वैसे तमाम कलमकार बैठे, अब इनके बीच में बोलना बड़ा कठिन होता है, बहुत दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि बाद में आलोचना के पात्र हम ही लोग रहते हैं। आज का भैया ये कार्यक्रम आलोचना मुक्त है। ये तो सच है कि सब्जेक्ट हम ही लोग हैं, क्योंकि कार्यक्रम का
उद्देश्य दीपोत्सव का है और हमारे देश की संस्कृति परंपरा कौमी इत्यादि की रही है। और मैं समझता हूं कि ये हमारे बुजुर्गों की परंपराएं हैं जो हमको धरोहर के रूप में मिली है। बुजुर्गों की यह विरासत ऐसे ही अवसर पर हमको देखने मिलती है। आज का दौर जब वास्तव में मंदिर और मस्जिद का झगड़ा हुआ और कुछ दिन बाद शायद पूरी स्थिति क्लियर होगी, ये भी उत्सुकता तमाम लोगों को है। उस समय ऐसे आयोजन की सार्थकता होती है। क्योंकि ये तय है कि कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, जिनको राजनीति करना वो करेंगे। संविधान की कसम खा के भी पता नहीं किस शायर का ये शेर है कि तू भले मंदिर बना मस्जिद बना मगर दिल को इससे भी बेहतर बना। और ये सच्चाई है कि इतनी सब दिक्कतों के बावजूद भी वैसे ही होता है कि पानी में लकड़ी मारो तो पानी फटता नहीं है। और ये होगा, सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन कौमी एकजुटी का परचम लहराता रहा, लहराएगा, ऐसा हमारा विश्वास। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि अभी हमने मुहर्रम निकला है, बहुत दशहरा निकला, दीपावली निकली। एक पेपर में हम पढ़ रहे थे, एक बहुत अच्छा शेर किसी हिंदू शायर ने लिखा था मुहर्रम के टाइम। जी जी, लगता कि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। उसका ये शेर था, ये लाइन थी कि मैं इस कदर सुनकर रोया दास्तानी करबला। मैं इस कदर सुनकर रोया दास्तानी करबला कि मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो गई। हाय हाय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और ये जब इतनी भावनाएं हो, इतने जज्बात हो, तो हमें नहीं लगता कि कोई कोर्ट का फैसला कुछ कर पाएगा। बहुत अच्छा आयोजन, अच्छा प्रयास आप लोगों का है, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि ऐसे आयोजन में आप मुझे बुलाते हैं जिसमें मेरी अपनी दिलचस्पी होती है। ये सूरज बैठे हैं, अब चूंकि कॉलेज टाइम से हम लोग साथ में चले, कुछ मजबूरी में हम सुनते सुनते जो सब टीचर शौक हो गया, ये लिखते थे और पहले हमें सुनाते थे। साइकिल में चलते चलते आज ये लिखा है, तो उसमें हमें भी शौक जागृत हो गया। हाँ वो तो वाह, देख के तो नहीं कुछ सारी चीजें कर दी, क्योंकि अभी भोपाल जाना है। मैं मन्नान भाई को, सोहेब भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय इसके
बाद मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है, इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ। अच्छा आयोजन है और मालिक से दुआ करता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की यह परंपरा ऐसी ही बनी रहे। सबका आशीर्वाद, सबका प्यार, इसने सद्भावना और सहिष्णुता हमारे देश की पहचान है, बेशक, और इसी प्रकार से कायम रही आए थी। दुआओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय का। अब मैं एक खास सम्मान और उसके बाद फिर वही कवि सम्मेलन को गति। हमारे पास एक घंटा है अभी। मैं जिस वक्त ये हमारी खुशनसीबी के मध्य प्रदेश का वो नाम जो विगत 25 वर्षों से मुंबई में जो वो मुकीम है और छिंदवाड़ा बल्कि परासिया की जमीन से वो नाम उठा और बॉलीवुड में एक अपना मकाम, न जाने कितने फिल्मों में गाने और कितने सीरियल्स की स्क्रिप्ट राइटिंग, अभी दो बड़ी फिल्में अभी लगातार लिख रहे हैं और जितने अभी मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए गुरिस्ता भैया, पूरी सारे जितने भी स्लोगन थे सब कमलनाथ जी ने एक महीने के लिए उन्हें बुक कर लिया था एक कमरे के अंदर पर अपने पास रखा एक महीने। और जब उन्हें असद भाई इत्तेफाक से अपनी माँ को देखने, उनसे मिलने, उनके साथ दिवाली मनाने परासी आए तो उन्होंने मुझे फोन किया, कहाँ हो तुम? वो सोचे मुंबई में होंगे। मैंने कहा मैं आज जबलपुर पहुंचा। बोले मैं भी आज मध्य प्रदेश आया हूँ। हमने बताया मंत्री जी भी आ रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम है, आ जाइए। उन्होंने कहा मैं कल खुद आता हूँ अपनी गाड़ी से। आज वो यहाँ पर जलवा फरोज है, उनका इस्तकबाल मंत्री जी के हाथ से करवाना चाहते हैं, जनाब असद अजमेरी साहब का उनका इस्तकबाल करें। अरे इस्तकबाल तब होगा, पूरा पूरा इस्तकबाल तब होगा ना। ये बात अरे नहीं, उनको यही मोहब्बत है, एक तारीखी फोटो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेमेंटो भैया के हाथों से असद भाई को, और आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें आप सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया।